गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास नाइन्थ का फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन चैप्टर स्टडी करने जाएं। क्लास नाइन्थ साइंस फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द फॉलोइंग पॉइंट, इफेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, लॉ ऑफ मोशन, स्टेट्समैन ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मास एज मेजर ऑफ इनर्सिया, इनर्सिया ऑफ मोशन, इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन, मोमेंटम और मोमेंटम एंड टू बॉडीज, वेरिएशन ऑफ मोमेंटम एंड टू बॉडीज आर इक्वल, डिफरेंट मास हैव डिफरेंट इक्वल मोमेंटम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एज ए स्पेशल केस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट न्यूटन थर्ड लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ मोशन। देखिए नाउ इंट्रोडक्शन, गिव अस नॉलेज ऑफ लॉ ऑफ नेचर बोथ फ्यूचर एंड पास्ट रिवील देयर लाइक सीक्रेट, गिव अस द नॉलेज ऑफ लॉ ऑफ नेचर बोथ फ्यूचर एंड पास्ट रिवील देयर सीक्रेट। ये स्टेटमेंट हमारे आइज़ैक न्यूटन की द्वारा दी गई। इन दिस चैप्टर वी विल इन्वेस्टिगेट द कॉज ऑफ मोशन। देखिए नाइन्थ क्लास में आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, वो मोशंस के बारे में पढ़ा कि मोशंस क्या होता है, मोशन कितने प्रकार का होता है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द कॉज ऑफ मोशन। इन दिस चैप्टर वी विल इन्वेस्टिगेट द कॉज ऑफ मोशन एंड इट विल फाउंड दैट बॉडी एट रेस्ट मे बी सेट इनटू द मोशन व्हेन सम फोर्स अप्लाइड ऑन इट। The motion of body can be understood by studying the relationship between the force applied on a body and effect produced by the applied force. In this chapter, we will study कि motions क्या होता है, motion के causes क्या होते हैं। अगर हम किसी object पे force लगाएं तो उसमें उस object में displacement होगा, जिसको हम motions कहेंगे। Now, first of all, what is the force? Force क्या होता है? देखिए बेसिकली फोर्स पुश एंड पुल को कहा जाता है। फोर्स पुश एंड पुल को फोर्स कहा जाता है। फोर्स क्या है? पुश एंड पुल, किसी ऑब्जेक्ट को खींचना, किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देना को हम फोर्स कहते हैं। तो फोर्स इज अ बेसिकली पुश एंड पुल। फाइन, विद द हेल्प ऑफ फोर्स यू कैन, व्हाट यू कैन डू, आप डोर ओपन कर सकते हैं, आप किसी भी गाड़ी को, कार्ड को या खींच सकते हैं, आप विद द हेल्प ऑफ बैट आप बॉल को हिट कर सकते हैं। दीज आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो नाउ वी विल स्टडी इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स क्या कर सकता है? मूव अ बॉडी लाइंग एट रेस्ट। अगर मूव अ बॉडी लाइंग एट रेस्ट, एग्जाम्पल किकिंग स्टीनिंग फुटबॉल, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो विद द हेल्प ऑफ फोर्स वी कैन मेक प्रोड्यूस द मोशन, हम उसके अंदर मोशन क्रिएट कर सकते हैं। यदि हम किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाए और फोर्स लगाने के बाद वो ऑब्जेक्ट मोशन में हो जाए तो इसको हम ऑब्जेक्ट की पोजिशन चेंज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लिफ्टिंग ए बुक कैप ऑन टेबल। एक बुक, ये बुक है हमारी, देखिएगा दिस इज अवर बुक, इसको मैं इजीली अप एंड डाउन कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ फोर्स। हिटिंग ए स्टेशनरी बॉल विद बैट, आप एक बॉल है रेस्ट में विद द हेल्प ऑफ बैट उसको हिट कर रहे हैं, वो मूविंग वेरी फास्ट। तो ये हमारे इफेक्ट ऑफ फोर्स है, ये दिस इज एग्जाम्पल। नेक्स्ट है स्टॉपिंग ए बॉडी, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और रेगुलरली मूव करता चला जा रहा है तो उसको विद द हेल्प ऑफ फोर्स हम उस पर उसको रोक सकते हैं, उसकी स्पीड को जीरो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स। एग्जाम्पल किसी कार पर हम ब्रेक लगाएं तो ब्रेक लगाने के बाद कार स्टॉप हो जाती है। तो क्यों कार स्टॉप हो गई? इजीली रीजन है क्योंकि हमने उस पर ब्रेक के द्वारा उस मूविंग ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया, जिसके कारण हमारी जो कार थी वो स्टेशनरी है, रेस्ट मोशन में आ गई। नेक्स्ट,
चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। आप फोर्स के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप साइकिल चला रहे हैं, सपोज करिए, और जब साइकिल चला रहे हैं तो आप उस पर पैडल्स को टर्न 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 करते जाते हैं, तो उसकी स्पीड लगे रेगुलरली बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। आप साइकिल पे जितना फोर्स लगाएंगे, आप साइकिल पे जितना फोर्स लगाएंगे, जितने पैडल्स पर फोर्स लगाएंगे, साइकिल की जो स्पीड है रेगुलरली उतनी ही बढ़ती जाएगी। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल है चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। यू कैन चेंज द डायरेक्शन। आप कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो विद द हेल्प ऑफ फोर्स आप उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एक बैट्समैन बैट को हिट करता है, जब बैट्स को हिट करता है दैट स्टार बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो बॉल अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। तो विद द हेल्प ऑफ फोर्स वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आप किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स। आप एक डेंटिस्ट जो आपकी स्प्रिंग्स होती है, इसकी स्प्रिंग्स को स्ट्रेच करें, जब स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे तो डैट उसका शेप चेंज होगा। तो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ चेंजिंग द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ फोर्स। नाउ कम ऑन द पॉइंट्स, टाइप ऑफ फोर्स देखिएगा। टाइप ऑफ फोर्स में दो फोर्स आते हैं, पहला आता है कॉन्टेक्ट फोर्स और दूसरा आता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, ठीक है। अब हमने कॉन्टेक्ट फोर्स को दो पार्ट में डिवाइडेड किया है, एक फिक्सल फोर्स एक नॉर्मल फोर्स। अब देखिएगा व्हाट इज द कॉन्टेक्ट फोर्स। जब दो ऑब्जेक्ट, दो सरफेस एक दूसरे से मिलती है, जब 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 किसी ऑब्जेक्ट फोर्स लगा तो वो टच करते हैं, तो उसको हम कॉन्टेक्ट फोर्स कहते हैं। यानी कि दो ऑब्जेक्ट, एक किसी ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स लगाते हैं, दो या दो से अधिक पर्सन, लेकिन उसकी लेयर एक ही है तो उसको कॉन्टेक्ट फोर्स कहेंगे, या दो लेयर आपस में टच करेंगे कॉन्टेक्ट फोर्स। एग्जाम्पल फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, जब एक आपकी जो टायर होता है वो रोटेट कर रहा होता है तो दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है और जो टायर्स की स्पीड को रिड्यूस कर देता है तो उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। आई होप डैट आपको कॉन्टेक्ट फोर्स समझ में आया होगा। नाउ फ्रिक्शन आप यू नो नॉर्मल फोर्स क्या होता है। अब देखिए द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। नाउ वी डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल फोर्स बाय यूजिंग सम मोर एग्जांपल। ए फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट, this force are equal in magnitude but opposite in direction. आप देखिए एग्जाम्पल ये स्प्रिंग से लगी हुई है, जब किसी हम सरफेस से लगा दिए, जब ये एक नॉर्मल नेचुरल लेंथ है, जब उसे फोर्स लगाया डायरेक्ट उसको स्ट्रेच हुई विद द हेल्प ऑफ शेप भी चेंज, और ये सरफेस ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, इसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। सेम ये भी देखिएगा, ये हमारा मेटल ट्यूब्स हैं, इसमें हमने फोर्स लगाया, लोड लगाया तो ये नीचे की ओर दैट इज फोर्स, ये हमारा भी एक नॉर्मल है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आता है टेंशन। टेंशन ऑफ अ स्ट्रिंग हैज इफेक्ट ऑफ पुलिंग द बॉडी टाइट टू इट्स एंड इंटरनल फोर्स ऑफ मॉलिक्यूलर नेचर बी डेवलप इन टू द स्ट्रिंग टू अपोज द एक्सटेंशन द फोर्स आर कॉल्ड टेंशन। वी विल डिस्कस अबाउट इन टेंशन हाइपरट्रॉफी। देखिए टेंशन क्या होती है, एक जो हमने ये स्प्रिंग बैलेंस को ले लिया और इस स्प्रिंग बैलेंस पे हमने किसी हैवी ऑब्जेक्ट को लटका दिया, तो क्या होगा
कि ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में आने की कोशिश करेगी, यानी कि ये वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उस स्प्रिंग में फोर्स लगाएगा और स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे आने की कोशिश करेगी, तो इसको हम टेंशन कहेंगे। दूसरा आप कहते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। जब दो फोर्स का अमाउंट मैग्नीट्यूड सेम है तो उसको बैलेंस फोर्स कहेंगे। जब दो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो उसको हम बैलेंस फोर्स कहेंगे, यानी कि उनका नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट हम पे फोर्स लगा रहा है, नाइदर वो मूविंग कर रहा है ना हियर एंड देयर मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट अपनी फिक्स पोजिशन पे, तो उसका जो दो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे हैं बट इनका मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, तो इसको हम बैलेंस फोर्स कहेंगे। देखिएगा ये रबर बॉल है, दो अपोजिट ड्राइविंग फोर्स लगा रहे हैं है? लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम है और क्या हुआ है दैट ये अपने शेप चेंज कर, फोर्स हटाया अपने आप, जब फोर्स हटाया तो अपनी एक रेगुलर शेप में आ गए, तो इसको हम बैलेंस फोर्स कहेंगे। अब दो फोर्स अनबैलेंस फोर्स, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं और वो फोर्स का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, एक दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड जब डिफरेंट हो जाते हैं तो उनको हम अनबैलेंस फोर्स कहते हैं, और उस कंडीशन में इनका मैग्नीट्यूड जो नेट फोर्स होता है मे और मे नॉट बी जीरो। नाउ रिमेंबर दिस पॉइंट, इफ फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट आर बैलेंस, किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है वो बैलेंस फोर्स लगता है, एंड ऑब्जेक्ट इज देयर इट रिमेन एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा। इसके बारे में आगे समझाएंगे कि ये हमारा लॉ ऑफ इनर्जिया होता है। नाउ एन ऑब्जेक्ट मोशन रिमेन मोशन विद सेम वेलोसिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, उसका भी रीजन होता है, वो हम आपको दैट अभी पढ़ेंगे, ये हमारे इनर्जिया की पार्ट्स आते हैं। नाउ इफ फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट आर अनबैलेंस, अब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अनबैलेंस लग रहा है तो अनबैलेंस दैट इज मीन दो अब उसकी मैग्नीट्यूड आर डिफरेंस। नाउ देखिएगा लॉ ऑफ मोशन, नेचुरल स्टेट ऑफ ऑल बॉडी इज द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड एन एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड अलोंग स्ट्रेट लाइन। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो नेचुरल स्टेट आती है उसको हम रेस्ट कहते हैं, लेकिन उसको मोशंस में मेंटेन करने के लिए हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। टू मेंटेन अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वी नीड द फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ, जो मेरे जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ए यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन डिड नॉट रिक्वायर एन फोर्स टू मेंटेन। So, if a body is in motion, it will continue move with a speed and along the same speed, along the same straight line, provided it is left to itself an external force, no external force act on. अगर कोई object motions में है, तो वो motions में ही रहेगा। हमें उस पे कोई external फोर्स लगाने की जरूरत नहीं। आप देखिएगा इसका जो बेटर एग्जांपल्स हैं वो न्यूटन्स ने दिए। न्यूटन ने अपने तीन लॉ बनाए, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। आज उन तीनों लॉज के बारे में हम स्टडी करें। स्टेटमेंट्स ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ अकॉर्डिंग टू दिस, एवरी बॉडी कंटिन्यू इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म motion straight line unless compelled by some external force to change the state. अगर कोई body लगातार अपने uniform motion में घूमती रहेगी, अगर हम उस पर जब तक कोई external force नहीं लगाए, अगर external force लगाते हैं
तो वह अपनी पोजिशन को चेंज करेगा। नाउ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया एक्चुअल में द मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है। इनर्शिया एक्चुअल्स में किसी भी ऑब्जेक्ट का मास ऑफ मेजरमेंट होता है। इसके लिए हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन की फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक, एक और देखिए किसको पढ़ते हैं। एज द इनहेरिट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी वाई वर्च्यू ऑफ इट्स इरेसिस्ट एंड चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन स्टिल लैंड ऑन इट्स ऑन इज कॉल्ड इनर्शिया। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में है रेस्ट में ही रहेगा, तो इसको हम इनर्शिया कहते हैं। देखो इनर्शिया को तीन पार्ट में हमने डिवाइडेड किया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहता है इफ अ ऑब्जेक्ट इन मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहता है इफ अ ऑब्जेक्ट इन रेस्ट तो ऑलवेज इन अ रेस्ट, वो हमेशा रेस्ट में रहेगा, वो अपनी पोजिशन को चेंज नहीं करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, वह अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। द ऑब्जेक्ट विल नॉट ट्राई टू चेंज द पोजीशन। फाइन एग्जांपल, ए पर्सन स्टैंडिंग इन बस फॉल बैकवर्ड व्हेन बस सडन स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड। अगर कोई पर्सन गाड़ी में खड़ा है और गाड़ी अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो हम गिरने लगते हैं। रीजंस क्या होता है? That reason is very simple. अगर हम गाड़ी में खड़े हैं तो हमें बॉडी के निचला जो पार्ट है, डाउन पार्ट, लोअर पार्ट, वो गाड़ी के साथ मोशन में हो जाता है, लेकिन अपर पार्ट हमारा रेस्ट में है, तो इसलिए हम पीछे की ओर गिरते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है, अ कार्पेट इज बीटन विद स्टिक टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल। हमने कारपेट लिए ढाल है सुपर तो उसको क्यों यूज किया? जैसे ही हमने कारपेट को विद द हेल्प ऑफ स्टिक से मारा तो कारपेट मोशन में आ गए, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल हैं वो रेस्ट में है, इसलिए वो वहीं की वो अलग हो गए, डिटैच हो गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन ट्री विगरसली शेकन सम ऑफ लीफ फॉल फ्रॉम द ट्रीज। अगर हम ट्री को ऐसे झकझोरते हैं ऐसे लाइक दिस तो क्या होता है कि उसकी जो पत्तियां होती गिर जाती हैं। रीजन वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि जो लीव्स होते हैं वो ट्री के साथ मोशन में नहीं रहती, वो उसको जब ट्री को झकड़ोगे तो वो मोशन में नहीं, वो रेस्ट में थी और रेस्ट के कारण वो अपने पोजिशन डिटैच हो गए, वो गिर गई। नेक्स्ट, ऑन हिटिंग ए स्ट्राइकर ऑन पाइल ऑफ कैरम कॉइन इफ इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट ओनली लोएस्ट वन मूव अवे द रेस्ट ऑफ पाइल रिमेन इन ओरिजिनल पोजिशन। अगर हम एक स्ट्राइकर से कॉइन्स को हिट करते हैं, बड़े सी कॉइन से हमारा ढेर लगा हुआ है गोल्ड रेट जो हमारे कैरम के कॉइन्स यूज जो हमारे कॉइन यूज की जाती हैं और हमने इसको हिट किया तो नीचे वाले निकल गई, लेकिन जो ढेर है डायरेक्ट वो नीचे के नीचे सेम गिर गई। क्यों? ये नीचे की तो मोशन आ गई, नीचे की तो मोशन में आ गई तो वो निकल गई, लेकिन ऊपर का रेस्ट में था इसलिए सेम टू सेम नीचे। अब मास एज अ मेजर्स ऑफ इनर्शिया, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि एक्चुअली में किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया होता है वो मेजरमेंट ऑफ मास होता है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट अपने नॉर्मल या परपेंडिकुलर को उतना ही लगाएगा जितना उसका वजन होगा, है ना। तो वो जितना ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। नाउ मास ऑफ बॉडी इज मेजर ऑफ इनर्शिया। इफ अ बॉडी हैज मोर मास इट हैज मोर इनर्शिया, इट इज मोर डिफिकल्ट टू चेंज इट स्टेट और रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी किक अ फुटबॉल इज फ्लाइंग अलोंग अवे, इफ वी किक अ स्टोन ऑफ द सेम साइज इज हार्डली मूव।
द स्टोन अपोज द चेंज इट्स मोशन बेटर देन फुटबॉल बिकॉज ऑफ मोर मास. द स्टोन हैज मोर इनर्शिया देन द फुटबॉल. सेम साइज के आप फुटबॉल ले लीजिएगा, सेम साइज का पत्थर ले लीजिएगा, तो पत्थर को मूव कराना एक डिफिकल्ट टास्क है क्योंकि उसका मास ज्यादा है. तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू द मास. बेसिकली हम इनर्शिया को आई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और आई इक्वल टू हमारा हो गया एम. आई इक्वल टू हमारा हो गया प्रोपोर्शनल टू द एम. कितना हो गया हमारा? प्रोपोर्शनल टू द एम. अब देखिएगा हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं. इनर्शिया ऑफ मोशन. अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, वह अपनी पोजीशन को चेंज करना नहीं चाहता. अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, अगर वो तो वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करना चाहता. अगर उसकी आप पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं तो उस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा दीजिएगा. जब आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो उसकी स्पीड रिड्यूस होते होते वो अपनी पोजिशन को चेंज कर लेगा. जब एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो दो चीजें होंगी, वो ऑब्जेक्ट की स्पीड रिड्यूस होगी या अप. नाउ हम जानते हैं व्हेन अ हॉर्स रनिंग फास्ट सडनली स्टॉप द राइडर थ्रो फॉरवर्ड इफ इट इज नॉट फर्मली सीटेड. अगर एक हॉर्स चल रहा है तो क्या होगा? अचानक हॉर्स रुक जाता है तो आगे की निकल जाएगा. अगर हम बस में बैठे हैं, बस चल रही है और उसमें बस ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगाए तो हम आगे की ओर गिर जाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी वो जो नीचे पार्ट वाला पार्ट है वो तो हमारे बस के साथ रेस्ट में आ गया, लेकिन ऊपर का जो हमारा अपर बॉडी पार्ट है वो मोशन में है और जिसके कारण हम तो क्या हुआ कि मोशन में आगे की ओर गिर गए. अब देखिएगा एथलीट रन फॉर सर्टेन डिस्टेंस फॉर टेकिंग इन लॉन्ग जंप. अगर जो एथलीट टेकिंग लॉन्ग जंप लेते हैं वो क्या करते हैं? अपने मोशंस को बनाने के लिए कि दौड़ते हुए, इसलिए वो लॉन्ग जंप लेते हैं क्योंकि दौड़ते हुए आएंगे तो उनकी बॉडी मोशन में और ज्यादा डिस्टेंस कवर. नेक्स्ट इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. ये टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नॉन एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. व्हेन अ फास्ट मूविंग बस नेगेटिव कर्व ऑन द रोड पैसेंज फॉल टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्व रोड दिस इज ड्यू टेंडेंसी पैसेंज टू कंटिन्यू मूविंग स्ट्रेट लाइन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. अगर हम डायरेक्शन चेंज करें, डायरेक्शन चेंज करनी चाहिए, हमेशा करनी चाहिए, तो लेकिन जब हम स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तो हम स्ट्रेट लाइन में चलना जानते हैं, लेकिन जब जैसे ही कार या बस को मोड़ा जाता है एक कर्व पाथ पे तो हम एक साइड से गिर जाते हैं क्योंकि हमारे टेंडेंसी क्या है? स्ट्रेट लाइन में चलने, इसलिए हम लोग थोड़े से फॉल कर जाते हैं. देखिएगा तो जरा बहुत सारे हमारे एग्जांपल्स हैं जो हम लोग दैट वी आर डेली स्टडी इनर्शिया के बारे में. ठीक है, आप देखिए डेमोन्स्ट्रेशन देखिए इनर्शिया का. प्लेस ए वाटर फिल्ड टम्बलर ऑन ट्रे, होल्ड द ट्रे एंड टर्न अराउंड ए फास्ट स्टीम फैन. व्हाट डू यू सी? इट विल ऑब्जर्व ए वाटर स्पिल और बिकम इनिशियली टू वाटर फिल्ड टम्बलर प्लेस ऑन द ट्रे वाज इन स्टेट ऑफ एन ऑफ ऑन अप्लाइंग ए फोर्स द ट्रे इज मेड टू मूव. आप देखिएगा डेमोन्स्ट्रेशन. प्लेस अ फिल्ड टम्बलर ऑन अ एक ग्लास को पानी से फिल कर ले जाता है. होल्ड द ट्रे एंड टर्न अराउंड फास्ट एज यू कैन. उस पर एक ट्रे पर रखकर इसको टर्न जिस तरीके से उसको फास्ट मूव कर सकते हैं वैसे जितना फास्ट मूव कर सकते हैं उतना फास्ट मूव करें. व्हाट डू यू विल सी? हम देखते हैं कि वाटर उसमें स्प्रिट ऑफ बाहर की ओर निकलने लगता है. ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब इनिशियली जब हमने उसके अंदर फिल किया था वाटर तो रेस्ट में था, वो टम्बलर रेस्ट में था, ट्रे रेस्ट में, जैसे उसको मूव किया दैट इज वो मूव, वो भी मूव हुआ.
दैट इज वाई वो वाटर्स में से स्प्लिस आउट हो गया। नाउ इनर्सिया ऑफ बॉडी डिपेंड ऑन मास एंड इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी। मैंने आपको बता दिया इनर्सिया ऑफ किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्सिया उसके मास पर डिपेंड करता है। दैट इज अंडरस्टूड। अब नाउ हमारा जो एग्जाम्पल होता है वो आता है मोमेंटम, कंसेप्ट मोमेंटम। देखिए जब आपने देखा होगा कि छोटी सी बॉल जिसका मास बहुत कम है, जिसका मास बहुत कम है और हमने उसको इस बॉल को ऐसे किया और स्पीड से उसको फेंका तो देखा कि वो छोटी सी बॉल एक बड़े से पर्सन को हिट कर रही, उसको ब्रेक कर रही। क्यों कर रही? क्योंकि उस बॉडी के अंदर उसके मास के कारण, उसके मास और उसकी वेलोसिटी के कारण उसके अंदर मोमेंटम जनरेट। तो हम ये कह सकते हैं कि रन टाइम पे जो बॉडी के अंदर जो फोर्स जनरेट हुआ उसको हमने मोमेंटम कहा, और मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ मोमेंटम क्या होता है। एक छोटा सा ऑब्जेक्ट जब उसको हम बहुत स्पीड के साथ फेंकते हैं तो वो जितनी इसकी स्पीड बढ़ेगी वो उतना हीट ऑब्जेक्ट को फेंकता है। इसका कारण क्या है कि उसके अंदर फोर्स उसके मोशंस के कारण जनरेट हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के में उसकी फोर्स के कारण जो मोशन फोर्स के कारण जो उसके मोशन के कारण जो फोर्स जनरेट होता है उसको मोमेंटम कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन उसकी वेलोसिटी या स्पीड के कारण जो फोर्स जनरेट हो रहा है उसको हम मोमेंटम कहते हैं। और मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसकी यूनिट क्या होती है? जैसे कि मास की जो यूनिट होती है किलोग्राम, स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसकी सीजीएस, सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड की यूनिट होगी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। आप देखिएगा वेरिएशन ऑफ मोमेंटम व्हेन टू बॉडीज ऑफ इक्वल एंड डिफरेंट मास हैव डिफरेंट इक्वल मोमेंटम। केस वन, व्हेन द टू बॉडीज हैव इक्वल मास देन वेलोसिटीज आर डिफरेंट। तो वी वन इज ग्रेटर देन वी टू। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जो मोमेंटम जनरेट होगा वो P1 equal to m v1 and P2 m v2। और जब हम P1, मास हमारे सेम है इसलिए हमने P1 और P2 को जब हमने डिवाइडेड किया तो हमारा आया P1 upon P2 v1 upon P2। We know that V1 is greater than V2, V1 V2 से बड़ा है इसलिए P1 moment V2 से बड़ा। Now, m m1 is greater than if m1 m2 से बड़ा है और मास सेम है तो हमारा मोमेंटम क्या होगा? p1 upon p2 m1 upon m2। और यहाँ पर मास is greater than second object to p1, यानी पहला का मोमेंटम दूसरे मोमेंटम से ज्यादा होगा। देखिए so when two body when two of the having equal linear moment have lighter object will move faster than heavier। when two of them have equal linear moment then the momentum of the lighter object will move faster, lighter object move fast karega than the heavier one because the mass kya tha to speed se reduce। aap dekhiye na momentum of object is depend on मास एंड वेलोसिटी। अगर जिसका मास जितना हो उसका मोमेंटम उतना ज्यादा होगा और जितना उसकी वेलोसिटी होगी उसका मोमेंटम होगा। और मोमेंटम मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट आएगा यूनिट वैल्यू आएगी इसलिए मोमेंटम में फोर्स ज्यादा जनरेट होता है।
सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द चेंज इन मोमेंट ऑफ बॉडी पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड चेंज मोमेंटम टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉडी। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट में मोमेंटम की चेंज होने की जो रेट होती है उसको हम फोर्स इक्विवेलेंट मानते हैं। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। नाउ अगर हम इसमें दोनों में एक मोमेंटम मास में हम क्या एक हम दैट ग्राफ जनरेट करके एक स्ट्रेट लाइन जनरेट होगी जिसमें बी इज कॉन्स्टेंट होगा। फाइन, तो इसका मतलब कि वी जब कॉन्स्टेंट है मास बढ़ेगा तो मोमेंटम भी बढ़ेगा। नाउ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखिएगा। हम ये मानते हैं कि इनिशियली किसी ऑब्जेक्ट का मास m और इनिशियली वेलोसिटी u है। जब उस ऑब्जेक्ट में हमने फोर्स लगाया और कुछ समय t के लिए तो उसकी जो वेलोसिटी हो गई आफ्टर सम टाइम v हो गई। तो इनिशियली मोमेंटम हमारा क्या हुआ था p1 यानी p इक्वल टू m v u एंड फाइनल मोमेंटम p f इक्वल टू m v। तो हमारा चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ है पी एफ माइनस पी आई और एम यू माइनस एम जी एम को कॉमन ले लीजिएगा वी माइनस यू। आप देखिएगा टाइम टेकन चेंज मोमेंटम अब इनिशियली से स्टार्ट हुआ था इनिशियल टाइम तो जीरो था और फाइनल टाइम टी था तो टी माइनस टी। तो रेट ऑफ चेंज मोमेंटम क्या होगा एम चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम टेकन यानी कि एम वी माइनस वी अपॉन टी। जब और ये क्या है हमारा अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एफ प्रोपोर्शनल एम वी माइनस वी। तो हमारा एफ बराबर एम जी होता है एफ बराबर एम ए भी होता है तो एफ बराबर एम ए लगाएंगे तो हमारा ये चीजिए वी माइनस यू अपॉन क्या एसिलेशन से हमारा वी माइनस यू हमारा क्या है एसिलेशन हमने पढ़ा हुआ है और यहाँ पर F प्रोपोर्शनल एम ए हो जाएगा। और जब हम प्रोपोर्शनल साइंस को हटाएंगे तो कॉन्स्टेंट आएगा जिसे हम के बोलेंगे। अब हम मानते हैं के की वैल्यू में डिटरमाइन करनी है तो के को वन यूनिट माना मास को वन यूनिट माना एक्सेलरेशन को वन यूनिट माना इसलिए जो हमारा कॉन्स्टेंट आएगा उसकी वैल्यू वन होगी। दैट इज मीन हमारा फॉर्मूला या फोर्स का रिकॉर्ड होगा एफ बराबर एम। नाउ किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स उसकी मास और एक्सीलरेशन के कारण जनरेट होता है। अब देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन एज स्पेशल केसेस ऑफ न्यूटन सेकंड इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा तो एफ बराबर जीरो यानी कि एम वी माइनस एम यू तो क्या होगा इनिशियली और फाइनल वेलोसिटी हमारी बराबर हो जाएगी। इफ यू इज जीरो देन वी इज आल्सो जीरो। यहाँ पर अगर इनिशियली वेलोसिटी जीरो है तो फाइनल वेलोसिटी भी हमारे क्या होगी जीरो हो जाएगी। यूनिट ऑफ फोर्स देखिएगा एफ बराबर एम ही होता है एम की यूनिट होती है किलोग्राम और मीटर और जो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो हमारे फोर्स की जो यूनिट होगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसको हम न्यूटन स्क्वायर ठीक है। अगर हम इसको क्या कहते हैं न्यूटन। अगर हम से डेफिनेटली वन न्यूटन क्या होता है तो किसी ऑब्जेक्ट पे एम बराबर वन मान और एम बराबर वन और एक्सेलरेशन वन तो हमारा फोर्स कितना होगा वन हो जाएगा। तो वन न्यूटन यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का वन किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पे वन मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन जनरेट होता है तो उस पे लगने वाला फोर्स वन न्यूटन होगा। अब सीजीएस यूनिट देखो सीजीएस यूनिट में मास की जो यूनिट होती है वो होती है ग्राम और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारी सीजीएस यूनिट हो गई ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर जिसको वन डायमीटर बोलते हैं। आप देखिएगा द
द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड टाइम, 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर हम उसको चेंज करिए सीजीएस में, तो हम लिखेंगे 1 न्यूटन बराबर 10^5 डायनाइट। ये आपको खुद ही करना है मैथमेटिकली। अब ये देखिएगा, देर आर वेरियस लॉस, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए क्रिकेट प्लेयर अपने हैंड्स को पीछे की ओर करता है जब वो बॉल को कैच करता है, रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन, रीजन वेरी सिंपल है, क्योंकि उसका टाइम जीरो हो जाएगा, मुंह तो उसकी वेलोसिटी एंड मोमेंटम जीरो हो जाएगा, इसलिए उसको पीछे की ओर फोर्स लगाते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई। अब व्हीकल आर फिटेड विद सॉकर, अब क्यों, क्योंकि सॉकर जो फोर्स लगता है वो उसके टाइम को रिड्यूस करता है, टाइम रिड्यूस करेगा उस पर फोर्स कम लगेगा, इसलिए वो बैट इज मीन सॉकर लगाए जाते हैं। द व्हीकल आर फिटेड विद सॉकर, द सॉकर इंक्रीज द टाइम ऑफ ट्रांजिशन ऑफ फोर्स जब टू रीच द फ्लोर ऑफ व्हीकल, हैंड फोर्स इज मेड पासिंग इन व्हीकल इज जीरो, तो क्या हो जाता है, फोर्स क्या होता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, अब चेंज इन, अब देखिए एक होता है इम्पल्स, क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में शॉर्ट टाइम के लिए जितना हम फोर्स लगाते हैं उसको हम इम्पल्स कहते हैं, और इम्पल्स बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार हम किसी ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लगाते हैं वो ऑब्जेक्ट हम पे उतना ही फोर्स लगाता है। न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा। नाउ जैसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, देखिए जैसे कि हम लोग जमीन पे चलते हैं, हमारे जमीन पे चलना भी एक एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन का थर्ड लॉ है, और एक बॉय जब बोर्ड से जंप करता है तो वो पीछे की ओर फोर्स लगाएगा और वो बॉय आगे की ओर जंप कर लेगा। तो डेट इज देर आर सो मैनी रीजन, सो मैनी एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन थर्ड। आप ये चीज समझिए, हर एक चीज की, हर एक ऑब्जेक्ट की अपने इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शंस होती है। आप देखिएगा एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक न्यूटन थर्ड लॉ, बोट्समैन पुश द रिवर बैंक विद द बॉम्बो पोल टू टेक हिज बोट इनटू द रिवर, ये भी एग्जांपल, आप जितना फोर्स नदी में लगाएगा वो बोट आगे की ओर बढ़ेगी। आप देखिए रिकॉल्स, आप गन है, गन का मास ज्यादा और आपकी जो बुलेट होती है उसका मास कम होता है, लेकिन वो आज जितनी बल छोटे से आगे बढ़ेगी उतना ही फोर्स वो पीछे की ओर गन पे लगाती है, इसलिए गन पीछे की ओर झटका लगाती है। रॉकेट्स का भी एग्जांपल यही है कि रॉकेट जब ऊपर उठता है तो नीचे की ओर फोर्स लगा, जितना वो एक्शन करेगा उतना ही आगे की ओर रिएक्शन करेगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम कंजर्वेशन के लॉ की ओर पढ़ते हैं। द टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट इफ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम, जब तक कि हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, यानी एक्सटर्नल फोर्स जब जीरो होता है तो मोमेंटम उसका कॉन्स्टेंट हो जाता है। द प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, माना कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 और उसका मास m2 है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 और दूसरे ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u2 है, तो आप ये देखेंगे इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ, m1 u1 प्लस m2 u2। जब बॉडी कोलाइड करती हैं तो उनकी वेलोसिटी v1 और v2 हो जाती हैं, इसलिए उनका फाइनल मोमेंटम हुआ m1 v1 प्लस m2 v2। फाइन, जब बॉडी कोलाइड होंगे तो वो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, तो एक फोर्स होगा FAB, यानी ए ऑब्जेक्ट ने बी पे फोर्स लगाया, ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में बी ऑब्जेक्ट ने ए पे फोर्स लगाया, वो हमारा हुआ BA। इस तरीके से जो हमारे फोर्स हो जाएंगे M1 U1 माइनस V1 माइनस U1 अपॉन T, FBA क्या हो जाएगा M2 V2 माइनस U2 अपॉन T, दोनों फोर्स अपोजिट हैं, दो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, है ना, तो इसके लिए FAB बराबर माइनस FBA। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा m1 v1 प्लस m2 v2 m
u1 plus m2 u2, यानी कि मोमेंटम और सिस्टम आफ्टर द कोलिजन और बिफोर कोलिजन दोनों सेम है। देखिएगा ये चैप्टर्स मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया पूरा, और ये हमारे डेफिनेशंस हैं, काफ़ी हैं, इनको आप लोग पढ़िएगा, और दैट आई होप दैट आपको चैप्टर समझ में आएगा, और जो चीज़ नहीं समझ में आए वो मुझसे डिस्कस करिएगा। थैंक यू वेरी मच।